हेलो दोस्तों, तो चलिए इस क्लास में देख लेते हैं हम लोग श्रम कानूनों में जो सुधार की बात चल रही है उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल है। तो देखेंगे कि अभी श्रम कानूनों में सुधार की चर्चा क्यों हो रही है, वो श्रम कानूनों से तात्पर्य क्या है आपका, इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि भी देख लेंगे और राज्य सरकारों द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे, वो सरकार क्या क्या पक्ष है इसमें उसे भी देखेंगे और क्या चिंताएं हैं उसे भी देख लेंगे। ठीक, क्या वास्तव में संशोधन हो रहा है जो इससे रोजगार में बढ़ावा मिलेगा या फिर अन्य देशों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भी देख लेंगे, तो इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी हम लोग देखेंगे। एक आप लोगों ने सामान्य सी बात देखी होगी कि समस्या चाहे आपकी प्राकृतिक हो या फिर मानवीय हो, लेकिन असर पड़ता है सबसे निचले तबके पर, फिर चाहे वो बरसात का मौसम हो या बाढ़ हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, भूकंप भूकंप, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग होते हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। ठीक, अब आप ही सोचिए, एक तरफ वंदे भारत एक स्पेशल उड़ान भरी जा रही जो हमारे देश के नागरिक हैं विदेश में फंसे हुए थे उनको भारत लाने के लिए, और यहीं देख लीजिए दिल्ली मुंबई में जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए ट्रेन भी नहीं चल पा सकी अच्छे से, उनसे पैसा भी वसूला जा रहा है उसके लिए। अब आप ही सोचिए समझ कि कहाँ गरीब कैसे रिजर्वेशन करवाए, आपको लगता है ये संभव है? अब कोई गरीब फंसा हुआ है और अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या रिजर्वेशन करवा पाएगा? चलिए जो भी है देखते हैं इसे क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी आपके MP CM शिवराज सिंह का बयान आया हुआ था कि जो मजदूर पहले कामगार थे जो 8 घंटे ड्यूटी करते थे, काम करते थे, उन्हें अब 12 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि मार भी वही झेलें और काम भी वही करें। कोरोना वायरस का सबसे बुरा संकट पड़ा है इन्हीं पर, असर पड़ा है और उन्हीं से अब काम करवाया जा रहा है। भारत में कई वर्षों से श्रम क्षेत्रों में सुधार की मांग की जाती रही है। ये मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय समय पर श्रमिक संगठनों की ओर से भी की जाती रही है, किंतु विभिन्न हितधारकों के हितों को एक साथ संबोधित करना संभव नहीं हो पाने के कारण श्रम सुधार उपेक्षित ही रहे। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी श्रम सुधारों को जरूरी माना जाता है। उदारवादी आर्थिक विशेषज्ञ भी श्रम सुधारों के पैरोकार रहे हैं। कई आर्थिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना रहा है कि श्रम कानूनों के कठोर नियमों की वजह से ही ना सिर्फ औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने में संकोच कर रही हैं। अर्थव्यवस्था में इन सुधारों की मांगों के क्रम में ही कोरोना वायरस के प्रसार से ने व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इस समय जहां उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है, तो वहीं श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट है। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योगों का कार्य संचालन प्रारंभ करना चाहिए, परंतु तमाम उद्योगपति जटिल श्रम कानूनों के कारण उद्योगों को प्रारंभ करने में शंकित हैं। ऐसे में कई राज्यों द्वारा किए जा रहे श्रम कानूनों में बदलाव अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं। पता है आपको बंद अर्थव्यवस्था में तो यही होता है कि विदेशों से हमारा बिल्कुल अर्थव्यवस्था लेना देना बंद हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से शट डाउन पड़ चुकी है अर्थव्यवस्था, यानी कि देश में ही कुछ काम नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा सब कुछ बंद है, तो बंद अर्थव्यवस्था से भी कई गुना हमारी ये बुरी स्थिति है। श्रम कानूनों से तात्पर्य क्या है आपका? श्रम अधिनियम
या श्रम कानून किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक यानी कि कार्मिकों, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। श्रम में भी समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिए बनाए गए विधान सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों ने अध्यादेशों या फिर कार्यकारी आदेशों के माध्यम से श्रम कानूनों में परिवर्तन की नींव रखी है। अध्यादेश का ये मतलब होता है कि जब आपकी विधानसभा ना चल रही हो या फिर संसद ना चल रही हो, संसद जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ना चल रहा हो, राज्य में विधानसभा नहीं चल रही हो, तो उस समय क्या करते हैं कि एक अध्यादेश द्वारा कानून लागू कर दिया जाता है, उसके बाद पास कराते रहते हैं। ठीक है, विदित है कि श्रम भारत के संविधान के अंतर्गत संवर्ती सूची का एक विषय है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक बात और हमेशा याद रखिए, क्या बात, कि अध्यादेश को राष्ट्रपति आपका जारी करता है आर्टिकल 123 यानी कि 1, 2, 3 के तहत, और राज्यपाल करता है आपका 213 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत आगे चलते हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए गए परिवर्तन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो कुछ ही श्रम कानूनों को छोड़कर आखिर 35 कानूनों में लगभग उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलाव किया है। औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान निर्धारित समय के लिए प्रचलन में नहीं रहेंगे। हालांकि बंधुआ मजदूरी, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधी श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिए ली जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑटोमोड पर करने की तैयारी की है। इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 90 लाख रोजगार सृजन के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। मध्यम सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण देने की भी व्यवस्था की जा रही है। श्रम कानूनों में मौजूदा परिवर्तन, पुराने कारोबार तथा राज्य में स्थापित किए जा रहे नए कारखानों पर लागू होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी अगले 1000 दिनों के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? नियोक्ता कर्मचारियों की सहमति से कारखाने में काम करने की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में ओवरटाइम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी। कारखानों का पंजीकरण 30 दिनों के बजाय अब 1 दिन में किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण अब प्रतिवर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना का भी प्रावधान है। औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधानों से छूट दी जाएगी। जैसे संगठन अपनी सुविधा अनुसार श्रमिकों को सेवा में रखने में सक्षम होंगे तथा श्रम विभाग या श्रम न्यायालय उद्योगों द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार
अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे। राज्य में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों की क्या क्या छूट मिली है इसे भी देख लीजिए। नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण करने और समय समय पर होने वाले निरीक्षण की औपचारिकताओं से छूट दी गई है और अपनी सुविधा अनुसार औद्योगिक इकाइयों के कार्य संचालन का समय निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट प्रदान की गई है। अब बात करते हैं सरकार का पक्ष। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि हकीकत कुछ भी हो लेकिन आपको एक बैलेंस बनाकर लिखना है, ठीक है? जब भी आंसर लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं कहीं भी, तो आपको दोनों चीजों में बैलेंस बना चलना है, यानी कि बीच का रास्ता आपको चुनना है। किसी भी टॉपिक पर आपका निबंध लिखने आता है या कोई क्वेश्चंस लिखने आता है, तो उसके ना तो एकाएक आप लोग नेगेटिव पॉइंट लिख दीजिए या फिर ना एकाएक पॉजिटिव, उनका बीच का रास्ता चुनिए और उन्हीं को पकड़ कर लिखिए, ठीक है? राज्यों में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए श्रम कानूनों का उदारीकरण करना बहुत आवश्यक है। इन प्रयासों के द्वारा ही मौजूदा कार्मिकों के रोजगार की रक्षा और उन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की संभावना है जो अपने राज्यों में वापस चले गए। लंबे चलने वाले इस संकट के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना वो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा। COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण गिरने वाले राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर विकल्प साबित हुआ। श्रम सुधार का विचार अचानक से नहीं आया, बल्कि यह लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। वर्तमान में परिवर्तन आवश्यक हो गए थे क्योंकि निवेशक जटिल कानूनों और लाल फीताशाही के जाल में फंस गए थे। इस संकट के दौरान तमाम कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। ऐसे में उन कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता थी। वर्तमान में 24.6% की भारी बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है भारत। राज्यों के लिए रोजगार सृजन का यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग चिंताएं आखिर क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित लगभग श्रम कानूनों को सरी तौर पर निलंबित कर दिया है। इसलिए इस कदम को शोषण के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित करने का के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। श्रम कानूनों के निलंबन से मजदूर पूंजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, जिससे बंधुआ मजदूरी के एक नए स्वरूप में विचलित होने की प्रबल संभावना। यानी कि अगर आप कोई आदमी किसी को रखता है मजदूरी पर, तो कितना भी पैसा दे न्यूनतम उस पर वो कोई भी अपना प्रतिरोध नहीं जता सकता है। श्रम कानूनों में निष्प्रभावी होने से मजदूरों को मिलने वाला वाली समस्त सुविधाएं जैसे भविष्य निधि, बोनस, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि निष्प्रभावी हो गई हैं। संशोधित श्रम सुधारों के द्वारा मजदूरों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा से भी समझौता किया गया, जो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय बना हुआ। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोजगार भी असंगठित क्षेत्र के रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे मजदूरी दर में तीव्र गिरावट आएगी। बात करते हैं क्या वास्तव में संशोधन रोजगार को बढ़ावा देंगे। सिद्धांतिक रूप से कम श्रम विनिमय वाले बाजार में अधिक रोजगार उत्पन्न करना संभव है। हालांकि जैसा कि अतीत में श्रम कानूनों में ढील देने वाले राज्यों के अनुभव बताते हैं कि श्रम संरक्षण कानून निवेश को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने में विफल रहे हैं। यदि यह सुनिश्चित करने का इरादा था
कि अधिक लोगों को रोजगार मिले तो राज्यों को काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इसके बजाय प्रत्येक 8 घंटे की 2 शिफ्ट की अनुमति देनी चाहिए थी ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। समझ रहे हैं आप लोग? 12 घंटे को एक ही आदमी से काम कराने से बेहतर था कि 6 घंटे में कम कर देते, उसकी जगह दूसरा एक व्यक्ति रख लेते, न्यूनतम यानी कि वेतन कम कर देते। लेकिन अब आप ही सोचिए कि जहाँ 2 व्यक्ति की जरूरत होगी वहाँ एक ही व्यक्ति से बढ़ा के काम, घंटे बढ़ाकर काम लिया जाए, इसकी जगह आप 2 व्यक्ति रख सकते थे। ठीक, कम से कम 2 लोगों को तो जॉब मिल जाती, अभी जो एक को मिल रही है 2 को रोजगार मिल जाते। इस तरह से बात करते हैं अन्य देशों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया। बांग्लादेश में श्रम कानूनों के तहत ट्रेड यूनियन शुरू करने के लिए श्रम बल के 30% की सहमति की दरकार होती है। वहाँ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कानूनी रूप से श्रमिक संगठन स्थापित करने की अनुमति नहीं। इस तरह विदेशी भागीदारी में स्थापित कारखानों में आरंभिक 3 वर्षों में हड़ताल की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत भारत में ट्रेड यूनियन का काफी दबदबा है, जिससे भारत में हमेशा आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता रहा है। वियतनाम में भी एक नई श्रम नीति बनाई है। वर्ष 2021 से प्रभावी होने वाली इस नीति के तहत कंपनियों को अपने स्तर पर वेतन भत्ते तय करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप या फिर प्रशासनिक निपटान की जगह आंतरिक सुलह प्रक्रिया को बढ़ावा देकर विवाद सुलझाने के तंत्र को अधिक लचीला बनाया जाएगा। चीन वर्ष 1980 के दशक में जब पूंजीवादी आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई तब तमाम तरह के सुधारों को संस्थागत रूप दिया गया, जिसमें जीवन भर के लिए रोजगार के प्रावधान, केंद्रीकृत वेतन भत्ता, निर्धारण व्यवस्था तथा प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रणाली को समाप्त करना शामिल था, जिससे चीन में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है। उत्पादन बढ़ने के साथ ही चीन की विदेश निवेश प्राप्त हुआ और उदारीकृत श्रम सुधारों के रूप में द्वारा चीन से भी विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देख लेते हैं। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना, आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए उदारी के श्रम सुधारों की आवश्यकता है। श्रम सुधारों के जरिए ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोजगार सृजन के लिए अति आवश्यक है। सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये आपका आर्टिकल था श्रम कानूनों में सुधार से संबंधित। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, पता है कि जैसे जो विदेश में फंसे हुए लोग वो हमारे नागरिक नहीं है, उन्हें निकालना गलत है। उन्हें निकालना सही बात है तुम्हारी, लेकिन वहां अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो यहाँ 10 रुपये खर्च होना था, तो इतना तो कर सकते थे ना आप लोग, कितना भी नहीं कर सकते थे। जैसे आपने, मेरा मानना है देखिए पर्सनल, कि आपको सबको घर पहुंचा देना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन लगाना चाहिए था, तो हो सकता है कि इतने लोगों की जान ना जाती। आपने देखा कितने मजदूर मर चुके हैं अभी तक, तो इतने लोगों की जान ना जाती इससे। ठीक है, उसके बाद आप लोग लॉकडाउन बढ़ाते रहते। क्या होता है कि हम जैसे बाहर रह रहे हैं तो हमें खाने के लिए सब कुछ खरीदना पड़ता है, अगर हम घर में रह रहे हैं तो जो बाहर, जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं तो हमें 10,000 रुपये खर्च होंगे महीने में, वही हमारे यहाँ घर अगर पहुंच जाए तो 500 से 1,000 रुपये में काम चल जाए, तो इसलिए सबको घर भेज देना चाहिए था। उसके बाद कितना भी टाइम के लिए आप अपने हिसाब से बढ़ाते रहते तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती। आप ही सोचिए, लास्ट में करना वही पड़ा कि अब आप घर भेज रहे हैं लौटा के, तो इससे अच्छा है कि तभी भेज दिए होते, इतनी समस्याएं क्या उत्पन्न होती ना, इतने लोगों की जान जाती। आप ही सोचिए, आप लोगों को दिखावा लगता होगा सर।
लेकिन जिनकी जान गई हुई है, जिनके परिवार से कोई मरा हुआ है, उन पर क्या गुजरी होगी। इसी पे, इसी जगह आप सोचिए कि कोई मैन आदमी मर जाए, 80-85 मजदूर आपके अभी तक मर चुके हैं, अगर इतने अच्छे अच्छे लोग मर जाए तो क्या हाल होगा, भूकंप आ जाएगा एक देश में। तो गरीबों की कोई जान की कीमत नहीं, यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही होगा। चलिए ठीक है, जो भी है,